चमार। यह महज सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्योंकि चमार शब्द जातिवाद के इतिहास की उन क्रूर परतों को सबके सामने खोलकर रख देता है जो ब्राह्मणवादियों की मक्कारी का सबूत है। मरे हुए जानवर की चमड़ी उधेड़कर उनसे जूते बना देने वाले चमारों ने इतिहास में कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया है। चमार वंशियों की इसी वीरता का नाम है चमार रेजिमेंट। जय भीम, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं दाशूद्रा। दाशूद्रा की खास पेशकश द बहुजन शो में आज आप मेरे साथ देखिए चमार रेजिमेंट की सच्ची और असली कहानी। चमार रेजिमेंट सेना की एक ऐसी टुकड़ी थी जिसने इतिहास की सबसे ताकतवर माने जाने वाली सेना को भी धूल चटा दी थी। लेकिन राजनीति और जातिवाद का खेल देखिए आज वही सेना अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। आज जब आप टीवी पर कदमताल करते हुए भारतीय सेना के नौजवानों को देखते हैं तो आपका सीना अपने आप ही चौड़ा हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। इसी सेना के बीच आपने मराठा, राजपूताना राइफल्स, राजपूत, जाट, सिख, डोगरा, नागा और गोरखा रेजिमेंट को भी देखा होगा। लेकिन क्या कभी चमार रेजिमेंट को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं देखा? आज तक आपने चमार रेजिमेंट को राजपथ पर कदमताल करते हुए क्यों नहीं देखा? आखिर क्यों आप चमार रेजिमेंट का नाम नहीं जान पाए? क्या सच में कोई चमार रेजिमेंट थी, या यह सारी बातें सिर्फ अफवाहें? आइए आपको आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि चमार रेजिमेंट की कहानी कोई कपोल कल्पना नहीं है। चमार रेजिमेंट की सेना एक बहादुर सेना थी। इसके सैनिक इतने फौलादी थे कि इसकी तेजी और शक्ति के सामने अंग्रेजी सेना के सैनिक भी कुछ नहीं थे। चमार रेजिमेंट को कब, क्यों और कैसे बनाया गया और बाद में इसे क्यों मिटा दिया गया, इसकी पूरी कथा आज मैं आपको बताता हूं। दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह से घिरी ब्रिटिश सरकार ने थल सेना के रूप में अलग से चमार रेजिमेंट बनाई थी। इस चमार सेना को 3 साल तक काम करने दिया गया। साल 1943 से 1946 तक चमार रेजिमेंट सेना में मौजूद रही। 1 मार्च 1943 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में चमार रेजिमेंट स्थापित की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया था। इससे पहले 1 साल तक यह दूसरी पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल यानी के इम्तिहान के तौर पर रही थी। 27वीं बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए थे। जब उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक बल से खुद को साबित कर दिया, तब चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई। चमार रेजिमेंट अंग्रेजी सरकार की उस नीति के तहत बनाई गई थी जिन समुदायों की सेना में कभी हिस्सेदारी नहीं रही, अब उन्हें भी सेना में शामिल किया गया। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ दिनों बाद में दूसरा विश्व युद्ध और तेज हो गया, जिसका असर एशिया तक पहुंच गया और चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया। उस समय दलितों की अंग्रेजी फौज में महार रेजिमेंट, मजहबी एंड रामदसिया रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट मौजूद थी। दूसरे विश्व युद्ध में इन सभी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था। चमार रेजिमेंट की पहली बटालियन को सबसे पहले युद्ध लड़ने के लिए गुवाहाटी भेजा गया। असम के बाद कोहिमा, इम्फाल और फिर म्यांमार की लड़ाई में भी चमार रेजिमेंट को अपना शौर्य दिखाने का मौका मिला। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट के 42 जवान शहीद हो गए। इन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा और आदि शहरों में युद्ध स्मारकों पर लिखवाए गए हैं। चमार रेजिमेंट के 7 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, चमार रेजिमेंट की पहली बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से भी नवाजा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महार रेजिमेंट को तो बनाए रखा गया, जबकि मजहबी एंड रामदसिया रेजिमेंट का नाम बदलकर सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया। लेकिन इससे पहले अंग्रेजी सरकार ने चमार रेजिमेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने लड़ने के लिए भेज दिया। उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली जापान की फौज को भी चमार रेजिमेंट ने धूल चटा दी थी।
जंग के मैदान में चमर वंश के योद्धाओं ने दुश्मनों को ऐसे उधेड़ कर रख दिया जैसे उनके पुरखे मरे हुए जानवर की चमड़ी उधेड़ देते थे। दुश्मन उनके सामने थर्रा उठे। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए सेना को भी सम्मान दिया गया। चमार सेना की वीरता को देखते हुए चमार रेजिमेंट को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से नवाजा गया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार चमार थल सेना से इतनी खुश और प्रभावित हुई कि उसे अब चमार रेजिमेंट पे इतना भरोसा हो चुका था कि अंग्रेजी सेना चमार रेजिमेंट की मदद से कोई भी लड़ाई बहुत आराम से जीत सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजी सरकार ने चमार रेजिमेंट को एक नया कप्तान दिया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को सेना का नया कप्तान बनाया गया और सेना को आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सिंगापुर भेजा। लेकिन चमार रेजिमेंट के जवानों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली आजाद हिंद फौज से लड़ने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी सेना की नौकरी करने वाले चमार सैनिकों ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि उनके भाई अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। चमार रेजिमेंट में हरियाणा के चुन्नी लाल, जोगी राम और धर्म सिंह भी शामिल थे। सिंगापुर पहुंचकर कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेजी सरकार चमार रेजिमेंट के हाथों उन्हीं के देशवासियों को मरवाने का इंतजाम कर रही है, जिसके बाद कैप्टन कुरिल ने अपनी चमार रेजिमेंट को सुभाष चंद्र बोस की INA यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल करने का निर्णय लिया। कैप्टन कुरिल के इस निर्णय से बौखलाई और घबराई हुई अंग्रेजी सरकार ने 1946 में ही चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। वीर चमार रेजिमेंट ने अपने ही देशवासियों के मरवाने के आदेश के चलते अंग्रेजों के साथ बगावत की और सुभाष चंद्र बोस के साथ INA में शामिल हो गई। इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर उनके होश उड़ा दिए और देश में एक विद्रोह की लहर उठी। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए और जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी युद्धबंदी बना लिया गया। देश में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुए और हर मोर्चे पर नाकाम रहने वाली ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित करने के साथ ही चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। कैप्टन कुरिल कई साल तक जेल में रहे और आखिरकार देश की आजादी के साथ उन्हें भी रिहाई मिली। कैप्टन कुरिल बाद में 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। लेकिन आजादी के बाद भी आज तक चमार रेजिमेंट बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि चमार रेजिमेंट को दोबारा से बहाल करने के लिए मांगे उठती रही हैं। सियासी गलियारों में भी चमार रेजिमेंट को सेना में शामिल करने की बातें होती रही हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया। आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह ने सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का जवाब मांगा है कि आज तक चमार रेजिमेंट को क्यों नहीं बहाल किया गया, आखिर क्यों चमार रेजिमेंट पर पाबंदी लगाई हुई है। ईश्वर सिंह का कहना है कि दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेता है, उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन जी सके जितनी कठिनाइयों में ये लोग रहते हैं, फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही है। आजादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई लेकिन हर बार यह आवाज दबकर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी। नवंबर 2015 में मनोहर पर्रिकर ने पत्र लिखकर कहा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाठ्य पुस्तकों में चमारों की गौरव गाथा को शामिल किया जाए। उनके अनुसार चमार रेजिमेंट फोरम बनाकर वह दलितों को बता रहे हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। जाटव के मुताबिक 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया था। इसमें चमार रेजिमेंट का भी अहम योगदान था। इसमें सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद कर यातनाएं दी। इतना ही नहीं, हाल ही में मृत्युओं को प्राप्त हुए RJD के नेता रघुवंश प्रसाद ने भी चमार रेजिमेंट को फिर से सेना में शामिल करने की मांग उठाई थी। लेकिन यह मांगे कब पूरी होंगी,
इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। चमार रेजिमेंट को अंग्रेजी सरकार ने बंद तो कर दिया, लेकिन चमार रेजिमेंट की वीर गाथा को वो न तो मिटा पाए और न ही किसी से छिपा पाए। चमार रेजिमेंट की वीर गाथा आज इतनी वीर है कि उस पर अब शोध हो रही है। यह शोध नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में सनातन सिंह द्वारा की जा रही है। चमार रेजिमेंट पर वीरों की वीर गाथा पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उनके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नाम से लिखी गई है। वीर चमार रेजिमेंट कब भारतीय सेना में शामिल होगी इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वीर चमार रेजिमेंट जब तक भारतीय सेना में शामिल नहीं हो जाती तब तक देश के कोने कोने से आवाजें उठती रहेंगी और यह संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक वीर चमार रेजिमेंट फिर से जीवित नहीं हो जाती, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदि हैं। तो आप लोग भी संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही थी वीर चमार रेजिमेंट की वीर गाथा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करना ना भूलें। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरक कहानी है जो समाज को प्रेरणा प्रदान कर सकती है तो नीचे दी जा रही आईडी पर आप हमें निसंकोच भेज सकते हैं। आप मुझे फॉलो करने के लिए मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक नए विषय के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।